बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सहर। ये आज मैं आपको पिज्ज़ा बनाना की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पिज्ज़े के अंदर आप इसकी जो टॉपिंग होगी उसके लिए आपको 300 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए होगी। उसको इसमें आपको 300 ग्राम बोनलेस चिकन चाहिए होगी, लेकिन मैंने 300 से थोड़ी ऊपर ली, ठीक है जनाब, क्योंकि मैं दो पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये देखिए, ये आपने ले लिया। इसमें आप लेंगी 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये देखें, मैं आपके सामने ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये देखें, ये सब डल गया इसके अंदर, ठीक है। और 1 टेबल स्पून आप डालेंगे लहसुन अदरक का, जो पेस्ट नहीं पाउडर डालना है आपको, ठीक है, लहसुन अदरक का पाउडर। ये देखें, लहसुन अदरक का पाउडर डालने के बाद 1 टेबल स्पून, मैं ज़रा मिर्च तेज़ खाती हूँ, आप हल्की भी कर सकते हैं। ये देखें, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें आप हसबे ज़ायका नमक डालिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ओके। ये अब इसकी मैरिनेशन के लिए आप रख दें थोड़ी देर के लिए। मैरिनेशन से जब मैंने रखा था तो मैंने इसके अंदर 1/2 लीमू भी डाल दिया था, ठीक है जनाब। ये मैरिनेशन हो चुकी है, मैंने लीमू डाल दिया था इसके अंदर मैरिनेशन के बाद। ये मैंने आधे घंटे के लिए रखा था, उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद आप इसको डाल दीजिए। चले, अब आप इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। ये देखें, ये पिज्ज़े के ऊपर की टॉपिंग आपको मैं बता रही हूँ, जो जब डो बन जाएगा, डो की अभी बताती हूँ मैं किस तरह से रेसिपी शेयर करती हूँ, किस तरीके से डो तैयार होगी। ये पिज्ज़े की जो फिलिंग है ये ऊपर से हमारी तैयार हो चुकी है, और अब मैं इसकी डो के लिए जो है 500 ग्राम मैदा लिया है मैंने, उसको मैं छान रही हूँ। विदाउट, आप छाने बगैर यूज़ नहीं कीजिएगा, ये 500 ग्राम है। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल है तो आप उसके ऊपर कर लें, नहीं तो आप शॉप से 500 ग्राम ही लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है, मैंने जो है चूल्हा बंद कर दिया है। अब आपको इसकी डो तैयार करनी है। प्लीज़ जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने डो बनानी है, वरना आपका विदाउट ओवन पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल मेजरमेंट का आपको ख्याल रखना है। आपको चाहिए होगा 500 ग्राम मैदा, ईस्ट आपको चाहिए होगी 8 ग्राम, खुश्क दूध आपको चाहिए होगा 2 ग्राम, कोई सा भी खुश्क दूध ले लें आप, वो आपको 2 ग्राम चाहिए होगा। शुगर आपको चाहिए होगी 5 ग्राम पिसी हुई। नमक चाहिए आपको 2 ग्राम। ये देखिए, ये चारों चीज़ें आप देख लें, ये ये मैदा है, इसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड होंगी, ठीक है। इसके ऐड करने के बाद आपको चाहिए होगा 1 अंडा, मक्खन जो डो को सॉफ्ट रखेगा, और 15 ml ऑयल। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए अब मैं आपको इसका डो बना के दिखा रही हूँ। जो मैंने आपको बताए थे इंग्रेडिएंट्स, ये ईस्ट और खुश्क पाउडर, शुगर और सॉल्ट, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको अच्छी तरीके से मिला लें ताकि ईस्ट जो है अच्छी तरीके से मिल जाए। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिला लें, ठीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा मक्खन ऐड कर दें और ये 1 अंडा, ठीक है, फेंट के ये ऐड कर लें। अब आप इसको गूंद लें। देखिए, ये डो मैंने तैयार कर ली है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है आप ऑयल लगा दें। ये देखें, इसमें हल्का सा ऑयल लगा दें, इसको इस एक सेकेंड इसके ऊपर ये लगा दिया आपने। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा पानी जो है, ऑयलिंग करने के बाद ये पानी है, पानी ज़रूर लगाइएगा इसके ऊपर, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर पानी लगा दें, ये इस तरह से पानी ज़रूर लगाइएगा, वरना ये ना कड़क हो जाती है डो। पानी लगाने के बाद, ठीक है, अब आप इससे ब्रश ये ऑयल लगा दें, ठीक है। अब इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दें। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आपके सामने डो बनाया था, ये पूरा राइज हो गया, कितना छोटा सा था, आधे घंटे के लिए इसको रखा है, ये देखें कितना ये बड़ा साइज़ हो गया है, ठीक है। जितनी देर ये हुआ, 20 मिनट के 15 मिनट पहले आप ये
कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका पिज्जा नहीं बन सकता। मैं नॉर्मल बर्तनों में विदाउट ओवन सिंपली आपको सिखा रही हूँ। देखें ना, मेरे पास कोई पैन है, ये मैं अपना जो सालन का जो कवर होता है, ढक्कन होता है, उसे यूज़ कर रही हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं है कि ये नहीं बनेगा, बस आपको फॉलो सही तरीके से करना है। ये देखें, ये मैंने भगोना पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया है ताकि गर्म हो जाए। इतनी देर में मैं अपनी डो बनाते हैं उसके ऊपर आपको फिलिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। ये देखें, फिलिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ और पिज़्ज़ा सॉस, और ये ऑलिव जो मैंने कट कर ली है, जैतून, और ये शिमला मिर्च, ठीक है जी। शिमला मिर्च को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया। इसे सेकेंड टाइम ज़रूर गूंदिएगा, डोंट फॉरगेट इट, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो ये जो है आपका सही तरीके से पिज़्ज़ा नहीं बनेगा। इसलिए आप इस डो को दूसरी मरतबा गूंदिएगा। ये देखें, इसको मिस मत गलत, ये देखें, ये मैं सेकेंड टाइम गूंद रही हूँ, ठीक है। इसको देखिए, प्लीज़ नहीं भूलिएगा, ये सेकेंड टाइम गूंद रही हूँ। ये देखें जी, मैंने आटा आपके सामने गूंद लिया था, डो को दोबारा करा था, देखिए सेकेंड टाइम गूंदा है, प्लीज़ इसे भूल मत जाइएगा। तो मैंने इसके दो पोर्शन कर लिए हैं, 500 ग्राम था, ये एक्स्ट्रा लार्ज बनता है, लेकिन मैं लार्ज बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो है इतना बड़ा साइज़ नहीं है। ये मेरे पास 11 इंचेस का जो है ढक्कन है, उसके ऊपर बना रही हूँ। मुझे आपको सिखा रहा है सिंपल और आसान तरीके से पिज़्ज़ा बनाना, ये देखें आप। लेकिन आपके पास ज़ाहिर है सबके पास इंची टेप तो होता है ना, तो आप उसके साथ इसको नाप लीजिएगा, बस 11 इंच का होना चाहिए, ठीक है। अभी 500 ग्राम के दो मैंने कर लिए हैं, अब आप इसकी फिलिंग की तरफ आ जाएं। चले जी, देखें ये आप इसके ऊपर थोड़ा मैदा ले लें डो बनाने से पहले। ये देखिए, अब इसके ऊपर मैंने जो मैदा लगाया था, वो जो 11 इंच का आपके सामने लिया था, अब इसके ऊपर मैं ये रख रही हूँ, ठीक है। अब आप इसको देखें, ये देखिए मैंने आपको जो दिखाया था, जो अपना ढक्कन दिखाया था, कोई मुश्किल मेथड नहीं बता रही कि नहीं बन सकता। ये देखें, आटे को मैंने इस तरह करके हाथ से पूरा ये कर दिया, ये साइड जो है मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पिज्जे के होते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको प्रिक्स कर दें हल्के हल्के से इस तरह, ये देखिए, ज़रूर करना है, प्लीज़ जो बता रही हूँ उसको स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं भूलिएगा। जो मैं आपको बता रही हूँ सिंपल मेथड से बिल्कुल प्रोफेशनल पिज्ज़ा आपको खाने को मिलेगा। ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है मेरी रोटी पिज़्ज़ा की, और मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ। ये पिज़्ज़ा सॉस है, ये मैंने घर में बनाया है, अगर आप बाज़ार का लेना चाहें तो वो भी ले सकती हैं, ठीक है। और इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप उधर जाके देख लीजिएगा। अब आपको मैं ये लगा के दिखा रही हूँ इसके ऊपर इस तरह, ये देखें, बाज़ार का भी ले सकती हैं, नो इशू, और घर का बनाना चाहें तो घर का भी ले सकती हैं। अब आप इसको पूरे पिज्जे पे हल्के हाथ से, ज़्यादा वो मत कीजिएगा प्रेस, हल्के हाथ से इसको सारे में फैला दीजिए बिल्कुल। चले जी, ये हो गया, ये मैंने इसके ऊपर ये पिज़्ज़ा सॉस पूरा फैला दिया है। अब आप इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया था, जो चिकन जो बनाई थी, वो इसके ऊपर अच्छी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता दूर दूर करके फैला दें, जो मैंने आपको सबसे पहले शुरू में बताई थी। देखें भाई, पिज़्ज़ा सॉस हो गया, चिकन डल गई है, अब आपके सामने ये मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। देखिए, ये मैंने इस तरह के स्ट्रिप में काटी हुई है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से आप पूरे में टॉपिंग कर दें। ये देखिए माशाल्लाह, ये दोनों तीनों कोटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल रही हूँ। मैंने इसके ऊपर चेडर और मोज़रेला चीज़ दोनों डाल दिए हैं। अब आप जैतून जो है, जैतून ऑलिव जिसे कहते हैं, इसको लेकर ना आप इस तरह पीसों में कर लीजिएगा, जैतून डाल दें इसके ऊपर। माशाल्लाह, मैंने आपको बताया था ना 500 ग्राम के अंदर दो पिज़्ज़ा बनते हैं लार्ज, तो ये देखें, एक तो मेरा रेडी हो चुका है माशाल्लाह, ये देखें आप, और ये देखें, दिखाइए कुछ एक सेकंड, ये देखें, और ये दूसरा वाला, ये देखें माशाल्लाह, ये फुल रेडी है हमारा। अब बताएं आप इसके अंदर क्या वो है, ये देखें विदाउट ओवन बनाया है, कोई ओवन का यूज़ नहीं, ढक्कन, कोई ऐसे बर्तन नहीं, आपको सिखाना है बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से पिज़्ज़ा बनाना। तो ये देखिए आप रेडी है, ये देखिए माशाल्लाह दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो चुके हैं, जो आपसे कहा था, कोई सिंपल बिल्कुल भगोने के अंदर बनाए, ये देखिए आपके सामने ढक्कन के ऊपर बनाए, ये रहा नीचे ढक्कन, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं कटिंग करके दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें,
इसी तरीके से मेथड को फॉलो कीजिएगा। मज़ेदार पिज्ज़ा तैयार है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।